में कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जानकारी और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है जो खतरनाक प्लान इन लोगों ने बना रखा है, तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत खतरनाक है, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी समझा कि आपके माध्यम से जनता के सामने रखा जाए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कूड़े के तीन बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप साउथ की तरफ से आओ, आप ईस्ट की तरफ से आओ, आप नॉर्थ की तरफ से आओ, दिल्ली में अगर एंटर करो हरियाणा से या यूपी से, तो तीन बड़े बड़े पहाड़ ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 साल में क्या किया है कूड़ा मैनेजमेंट में, दिल्ली में एमसीडी में। यहाँ तक तो ठीक है, इन तीन कूड़े के पहाड़ों का मैनेजमेंट करना, इनको ख़त्म करना, यहाँ के कूड़े को मैनेज करना, इस सब की तो बात दूर की है। अब इन लोगों की साजिश है कि दिल्ली में इस तरह के 16 पहाड़ और बना दिए जाएं। दिल्ली में कूड़े के जिस तरह के अभी तीन पहाड़ खड़े हुए हैं और दिल्ली के ऊपर खतरा बने हुए हैं, ये लोग वैसे 16 कूड़े के और पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तीन नहीं संभल रहे, 16 पहाड़ अगर पूरी दिल्ली में हो गए तो क्या हाल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्होंने तय किया है कि दिल्ली में कूड़े की 16 लैंडफिल साइट्स और बनाई जाएंगी, और जाहिर सी बात है कि जब 16 लैंडफिल साइट्स और बनेंगी तो पूरी दिल्ली में चारों तरफ केवल कूड़े के ही इस तरह के पहाड़ दिखाई देंगे। तो 16 कूड़े के नए पहाड़ ये लोग दिल्ली में और बनाने की, खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। तीन पहाड़ जो इनकी कारगुजारियों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की वजह से दिल्ली में खड़े हो गए, उन पे तो अभी तक कुछ किया नहीं, वहां पे चार गाड़ी खड़ी करके इधर से उधर टप्पर घुमाते रहते हैं, और अब 16 और जगहों पर लोगों का जीना दुश्वार करेंगे, 16 और जगहों को ये नर्क बनाएंगे। हम सब जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं कि जहां जहां ये तीन कूड़े के पहाड़ इस समय हैं, उसके आसपास के लोगों की जिंदगी कितनी नर्क है। उसके आसपास के लोगों को हर वक्त इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से बदबू झेली पड़ती है, उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके किचन में, हर जगह कूड़े की बदबू रहती है, कई कई किलोमीटर तक चील मंडराती रहती हैं इन पहाड़ों के ऊपर, जमीन से कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, ये हालत है। आग लगती रहती है, आग का धुआं लोगों के घरों में हर वक्त घुसता रहता है। तीन कूड़े के पहाड़ों ने लोगों की जिंदगी नरक कर रखी है। अगर इन लोगों की साजिश कामयाब हो गई, अगर इन लोगों का ये प्लान कामयाब हो गया, तो दिल्ली में इस तरह के 16 और पहाड़ अलग अलग कॉलोनियों में किस तरह लोगों की जिंदगी को नरक बनाएंगे, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते। आज सारी दुनिया में बड़े बड़े शहर, ऐसा नहीं है दिल्ली बड़ा शहर है, दुनिया में बहुत सारे बड़े शहर, वहां भी कूड़ा होता है, वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी कूड़ा जनरेट होता है, लेकिन सारी सरकारें अपना कूड़ा मैनेजमेंट कर रही हैं, वहां के नगर निगम अपना अपना कूड़ा मैनेज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एमसीडी अनोखी तरीके से चलती है कि तीन कूड़े के पहाड़ पहले से खड़े कर दिए और 16 कूड़े के नए पहाड़ अब ये लोग खड़ा करना चाहते हैं। इस तरह से तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। अभी तीन जगहों पर लोगों को बदबू झेलनी पड़ती है, चील कौवे झेलने पड़ते हैं, आग का धुआं झेलना पड़ता है, फिर अलग अलग कॉलोनियों में पूरी दिल्ली में 16 जगह पर ये और झेलना पड़ेगा लोगों को। दिल्ली में कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां इस तरह की बदबू ना हो, दिल्ली में कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां पे इस तरह के चील कौवे ना मंडरा रहे हो कूड़े के पहाड़ों पे। ये मैनेज नहीं करना जानते, ये केवल और केवल लड़ाना भिड़ाना जानते हैं, ये केवल साजिशें करना जानते हैं। अब इनसे ये तीन पहाड़ मैनेज नहीं हो रहे और 16 और नए पहाड़ बनाने की इनकी तैयारी हो रही है। मैं आज आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी के पास प्लान है। उनको आपने बिजली की जिम्मेदारी दी, उन्होंने 24 घंटे बिजली देके दिखाई दिल्ली को, फ्री बिजली देके दिखाई। आपने उनको पानी की जिम्मेदारी दी, पानी देके दिखाया। आपने उनको स्कूल की जिम्मेदारी दी, स्कूल शानदार करके दिखाए। आपने उनको हेल्थ की जिम्मेदारी दी, हेल्थ पे काम करके दिखाया कि दुनिया दिख रही है। कूड़ा का मैनेजमेंट आपने 17 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तीन पहाड़ कूड़े के दिल्ली को दिए, दिल्ली की जिंदगी नरक बनाने के लिए, और 16 पहाड़ और अभी जाने से पहले देके जाना चाहती है। इनको ये मौका मत दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा करिए, जिस तरह से बाकी चीजों में मौका दिया, वैसे ही कूड़े के मैनेजमेंट में भी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास पूरा प्लान है कि किस तरह से दिल्ली के इन तीन पहाड़ों को भी खत्म किया जा सकता है।
इनके पास प्लान है कि 3 पहाड़ों के साथ साथ 16 पहाड़ और कैसे खड़े किए जाएं कूड़े के। तो मैं आपके माध्यम से यही प्लान इनका जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये 16 कूड़े के पहाड़ नहीं बनने देने हैं, नहीं तो जिंदगी पूरी तरह से मुहाल हो जाएगी दिल्ली के लोगों की, और दिल्ली देश की राजधानी नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ों का शहर बन जाएगी पूरी तरह से। यही आपके विचार। अलग अलग उन्होंने जगह छांट ली, जैसे मेरे पास में नॉर्थ MCD से जानकारी आई कि यहाँ इन्होंने SLF बलसवा, फिर नरेला बवाना में, इसके अलावा रानीखेड़ा में, सुल्तानपुर डबास में ये SLF हेतु उपयोग में लाने के लिए ज़मीनें छांट ली। इस तरह से इन्होंने 16 जगह नई ज़मीनें छांट ली हैं अलग अलग कॉलोनियों में, और 16 इस तरह के कूड़े के पहाड़ बनाने की साजिश रची जा रही है। सर, बीजेपी ने आज एक स्टिंग जारी किया है अमन अरोड़ा का, बता रहे हैं कि अमित अरोड़ा का, और वो आरोपी ही हैं CBI के FIR में, कह रहे हैं कि बहुत पैसे का लेन देन हुआ है, आप लोगों को पैसे दिया गया। देखिए, इन्होंने मेरे यहाँ पर CBI की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने उम्मीद लगाई कि घर में नहीं मिला कुछ, लॉकर में ज़रूर कुछ होगा, फिर ये लॉकर में गए। मैंने आप सबके सामने तथ्य रखे कि वहाँ भी केवल झुंझुना मिला बच्चे का, लॉकर में भी। फिर इन्होंने सारी जांच करा ली, अब CBI को कुछ नहीं मिला। इन्होंने ED से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके CBI को दीजिए, और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया, अब स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर CBI इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है, CBI की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके CBI को सौंपे, और CBI इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे, और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज हाफ डे निकल गया, मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले CBI इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे CBI मुझे गिरफ्तार कर ले अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। दिन रात आजकल वहां पे सरकारें गिराने के लिए CBI रेड की साजिश, ED की साजिश, स्टिंग साजिश, यही काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से। तो अगर CBI इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, CBI एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, BJP इसको दे और पूरी जांच करके, 4 दिन में जांच हो ही सकती है, स्टिंग है ही उपलब्ध, अरेस्ट करें मेरे को, मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि ये स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी CBI इसको सच साबित नहीं कर पाई।